नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी की कहानियों की पुस्तक के बारे में। पुस्तक किताब घर प्रकाशन से छपी है और अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। दोस्तों, इस पुस्तक को चुनने के पीछे कुछ कारण थे। यूँ तो इन दिनों बहुत सी कहानियों की पुस्तकें हमारे आसपास आ रही हैं, बिखर रही हैं, या यूँ कहिए कि जिन्हें हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पर इस पुस्तक को चुनने का, इस पुस्तक की समीक्षा करने का कारण विशेष था। सबसे पहले, ये एक अलग परिवेश की पुस्तक है। ऑस्ट्रेलिया के परिवेश की कहानियाँ इस पुस्तक में लिखी गई हैं। वहाँ की जिंदगी, वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ के लोगों के जीवन में अलग विविध प्रकार के रंग, और उन रंगों में कुछ रंगों को लेखक जब अपनी कलम से, अपने तरीके से, नए तरीके से, नए परिवेश को लेकर के भारतीय पाठकों तक पहुँचाता है, तो निस्संदेह वो पुस्तक बहुत रोचक हो जाती है। तो इस पुस्तक को चुनने के पीछे सबसे पहला कारण ये था। दूसरा ये कि रेखा राजवंशी न केवल ऑस्ट्रेलिया की बल्कि पूरे भारत की, या यूँ कहें कि पूरे विश्व की जानी मानी साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, और कंगारुओं के देश से पहली पुस्तक से उनका नाम चर्चा में आया, और उसके बाद निरंतर ढेरों पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और जब ये पुस्तक ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी के नाम से ही छपी, यानी कि इसमें एक कहानीकार के रूप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कहानियों को हमारे समक्ष रखा, निस्संदेह एक इच्छा हुई कि इस पुस्तक को ना केवल पढूं बल्कि इसकी समीक्षा भी करूं। जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो अनायास ही ऑस्ट्रेलिया का जीवन, वहाँ के लोगों के जीवन का संघर्ष, किस प्रकार से वो उनसे जूझते हैं, किस प्रकार से वो जीवन में किन मूल्यों को लेकर के साथ चलते हैं, और किस तरह से वो मूल्य उनके अपने बनाए होते, साहस, हिम्मत और यथार्थ का खुरदरापन इन कहानियों में बखूबी दिखाई पड़ता है। सबसे पहली कहानी बहादुर माँ। बहादुर माँ एक ऐसी माँ जो सच के सामने, बिल्कुल सच्चाई के साथ उस सत्य को स्वीकार करती है, जिसके सपनों में, जिसने अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनने का सपना संजोया और उसके लिए संघर्ष किया, पर जब परिस्थितियाँ हुई, विपरीत परिस्थितियों में, वो सच का सामना बहादुरी से करती है, जबकि उसका बेटा दूसरी तरफ ये सोच रहा होता है कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा, और वो माँ खुद ही पुलिस को बुला करके अपने बेटे को पुलिस को सौंपती है। ये कहानी मानवीय मूल्यों को, जीवन के मूल्यों को, कि किस प्रकार से हमें जीवन में मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, संदेश देती है। इस पुस्तक की एक कहानी मुझे बहुत पसंद आई। वो कहानी के कुछ अंश जो मैंने इस पुस्तक में बड़े दिल से पढ़े, वो कहानी थी गोरी डायन। आप देखिए, नाम भी ऐसा है, गोरी डायन। दोस्तों, कहानी बड़ा ही खूबसूरत सा मोड़ लेती है। शुरुआत में जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो एक त्रिकोण दिखाई देता है, एक साधारण सा त्रिकोण जो भारत में भी है, प्रेम कहानी का त्रिकोण, जिसमें पति पत्नी हैं और फिर बीच में एक तीसरी औरत आ जाती है, या तीसरा कोई आ जाता है। जीवन कठिन होता है और उन कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से कोई ना केवल उसका सामना करता है बल्कि उससे जूझ करके आगे बढ़ता है। ये आमतौर पर भारत में भी होता है, लेकिन इस कहानी का अंत, हालांकि मैं बताना नहीं चाहती, अंत बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हम जिसके बारे में जिस तरह का चित्र, यानी कि विदेशी महिलाओं के बारे में जिस तरह का चित्र अपने मस्तिष्क में बनाते हैं, उन सबसे इतर वो उस फ्रेम में अपने आप को बिल्कुल भी फिट नहीं करती, हमारे बनाए फ्रेम में वो फिट नहीं बैठती, बल्कि उसके अलावा
वो जीवन में नए प्रतिमान स्थापित करती है। इस पुस्तक की कहानी गोरी डाइन चर्चा का विषय है और मुझे लगता है कि इस कहानी में बहुत सी संभावनाएं हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ तक कि ये कहानी उपन्यास का रूप भी ले सकती है। इस पुस्तक की एक और कहानी है ब्यूटी पार्लर। अब ये कहानी भारत से विदेश में गए लोगों के संघर्ष को, उनके जीवन में निरंतर किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह से वो उनके साथ जूझते हैं और उन समस्याओं से उबर भी जाते हैं, पर वहाँ का परिवेश, वहाँ की जीवन शैली उसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और फिर कहीं ना कहीं किसी ऐसे ताने बाने में उलझ जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी दूभर कर देता है और फिर उन्हें लौट के आना पड़ता है। ब्यूटी पार्लर एक ऐसी ही संघर्षरत महिला की कहानी है। हर कहानी अपने आप में अलग है, हर कहानी में नया परिवेश है, हर कहानी में भाषा अलग है, उसका प्रवाह अलग है और उसके साथ साथ एक बात और है, कहानियाँ रोचक हैं। एक बार हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो निरंतर पढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये कहूँगी कि एक बार इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। पुस्तक का नाम है ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी की कहानियाँ और किताब घर प्रकाशन। पुस्तक अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।